क्लास टू के बच्चों को हिंदी बताएंगे। आप सभी को अभी इस चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का हमने बताया था, जो दो पार्ट बताया था ये आगे का बताएंगे। देखिए अभी आम अपने बारे में बता रहा था कि मैं बहुत ही रसीला होता हूँ, रसीला माने रस से भरा हुआ, मैं बहुत ही रसीला होता हूँ, मुझे देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है और गर्मियों के दिन में मुझे सभी लोग अपने अपने घर खाने के लिए लेकर थैलों में भर भर के जाते हैं। और जब मैं कच्चा होता हूँ तो पेड़ पर मुझे तोते होते भी खाते हैं, और अगर माली न हो बगीचे में तो मुझे पकने का मौका भी नहीं देते हैं। कच्चे आम से बहुत कुछ बनता है, आम अचार बनता है, कच्चे आम से चटनी बनती है, सब्जी बनता है उसका, कच्चे आम का अमचूर बनता है, और लू लग जाता है गर्मियों के दिन में, गर्म हवा जब लगती है तो लू लग जाता है, तो उसका आम पन्ना भी बनाकर पिया जाता है। आम, कच्चा आम बहुत ही गुणकारी है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, जब मैं पक जाता हूँ, जब कच्चा रहता हूँ तब भी उपयोग में आता हूँ, और जब पक जाता हूँ तो फिर मेरा क्या कहना, जब मैं पक जाता हूँ तो पूछने की बात ही नहीं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मेरा स्वाद पसंद ना हो। आम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे आम ना पसंद हो, सभी को आम पसंद आता है। पानी में डुबोकर रखने के कुछ घंटों बाद खाने से मेरे सारे गुण काम करते हैं। जब ठेलों पे टोकरी में बिकता है तो उसपे दिन भर धूप लगा रहता है वो आम। आगे देखिए, पके आम को जब बाजार से लाते हैं तो उसे पानी में डुबोकर खाना चाहिए, नहीं तो पानी में डुबोकर नहीं खाओगे दिन भर उस पर धूप लगा रहता है, अगर पानी में डुबोकर नहीं खाओगे तो उससे क्या होती है, हमें नुकसान होता है। देखो, पानी में डुबोकर रखने के कुछ घंटों बाद खाने से मेरे सारे गुण काम करते हैं। आम कह रहा है कि पानी में डुबोकर खाने से मेरे जितने गुण है सब काम करेंगे, या नहीं डुबोने से नुकसान करेगा। फिर देखो आगे, कुछ लोग मुझे चूस कर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग देखते हैं बिना छीला उसको ऊपर से थोड़ा सा तोड़कर उसको चूस के खाते हैं, तो कुछ लोग काट कर मेरा मैंगो सेक तो हर गली नुक्कड़ की जूस की दुकानों पर बिकता है, और उस पके आम का देखोगे जूस, मैंगो सेक जिसे कहते हैं, मैंगो जूस बनाकर हर गली गली में नुक्कड़ पर गर्मियों के दिन पर गर्मियों में मिलते हैं ना, तो वही बता रहा है कि मेरा कुछ लोग चूस कर खाते हैं, कुछ लोग काट के खाते हैं, कुछ लोग उसका मैंगो सेक बनाकर अब ठेलों पर नुक्कड़ पर गली में सब जगह दुकानों पर बेचते हैं। आजकल तो मेरा रस बोतलों और डिब्बों में पूरे साल बिकता है, फ्रूटी माजा स्लाइस ये सब क्या है, आम का ही बना रहता है, उसे डिब्बों में भरकर पूरे साल एक साल तक बिकता है, किसी ने उसे माजा नाम दिया है तो किसी ने स्लाइस और किसी ने फ्रूटी, आप तो इन्हें पीने को मचलते ही रहते हैं, सभी बच्चे इसे पीते हैं ना, पीने के लिए परेशान रहते हैं ठंडा ना। मेरे बहुत से नाम हैं, आम के बहुत से नाम है, सुने होंगे ना, दशहरी लंगड़ा ये चौसा सिंदूरी तोता परी, लंगड़ा दशहरी सिंदूरी तोता परी चौसा फजरी अल्फांसो, ये सब क्या है, आम के नाम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और आगे देखिए कुछ शब्दार्थ है,
आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे हमने बताया था। अब इसके आगे है मैंगो शेक, माने यहाँ था ना बीच में मैंगो शेक। मैंगो शेक माने दूध में आम मिलाकर बना शरबत, उसे क्या कहते हैं मैंगो शेक। आगे जो पढ़ाए थे हमने शब्दार्थ बताया था सब ना, उसमें भी लिखा था ये सब शब्दार्थ याद करना है किसके माने क्या होता है। अब कुछ होमवर्क है इसी में से, पके आम से क्या क्या बनता है उसमें दिया है ना। पके आम से क्या, कल जो पढ़ाए थे उसमें कच्चे आम से दिया था क्या क्या बनता है, आज जो है पके आम से क्या क्या बनता है, और आम को कितने नामों से जाना जाता है, ये क्या है होमवर्क है, यही आप लोग को करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।